सीहोर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जिले भर में 21 जून से वैक्सीनेशन महाअभियान शुरू किया गया है। इस दौरान 1 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जिले भर में 200 केंद्र बनाए गए हैं। सीहोर जिले के इछावर SDM विष्णु यादव ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। बता दें आपको कि SDM ने बाइक से लोगों के घर जाकर पीले चावल बांटे और लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया। साथ ही लोगों को मन में वैक्सीन को लेकर जो भ्रम है उसे भी दूर किया गया। SDM ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर तहसीलदार, CMO समेत कई जनप्रतिनिधि और समाजसेवी भी शामिल रहे। अभी मध्य प्रदेश शासन के निर्देश हैं कि 21 तारीख से 30 तारीख तक ये एक हफ्ते का टीकाकरण का महाअभियान जो है पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। उसमें सीहोर जिला और इछावर तहसील भी शामिल हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे पूरे इछावर तहसील में लगभग 5000 से ज़्यादा डोज का हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पाने के लिए हम लोगों को लगातार जागरूक करने का हमारा प्रयास चल रहा है। हमारे सभी स्टाफ के सदस्य हैं, हमारे सभी विभागीय सदस्य हैं और आम नागरिक जनप्रतिनिधियों का भी इसमें सहयोग मिला है। और ग्वालियर में आज से वैक्सीनेशन महाअभियान शुरू हुआ है। राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया ने हजीरा सिविल अस्पताल पहुंचकर टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ किया। सिंधिया ने टीकाकरण के लिए आई महिला का तिलक लगाकर स्वागत किया, साथ ही लोगों को टीकाकरण कराने की शपथ दिलाई। ज्योतिराज सिंधिया ने टीकाकरण पर कहा है कि विश्व योग दिवस पर PM मोदी और CM शिवराज के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 10 लाख लोगों का वैक्सीनेशन कराएंगे। तो इस टीका अभियान में ज्यादा से ज्यादा तादाद में हम लोग सब जुटे और जो कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला सफलतापूर्वक हम लोग ने किया है उसके लिए मैं प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इस नियम का पालन हम सब ने किया है। और हमारे कोविड वॉरियर्स जिसमें डॉक्टर, नर्स, पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग और हमारे मीडिया के भाई बंधु, आप लोग को भी, सभी को मैं दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारा संकल्प है 200 करोड़ वैक्सीन की करीब करीब जरूरत होगी। और भिंड में भी टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ किया गया है। भिंड अनुविभाग फूप ग्रामीण CSC के 28 टीकाकरण केंद्रों पर 2800 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था। भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा, SDM उदय सिंह सिकरवार ने कई वैक्सीनेशन केंद्रों पर जाकर वैक्सीनेशन महाअभियान का शुभारंभ किया, साथ ही केंद्रों का निरीक्षण किया और इसके साथ ही विधायक ने आम नागरिकों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। जो टारगेट जो फिक्स किया है मुझे लगता है वो टारगेट तो अचीव कर ही लेंगे। कहीं कहीं अभी तो 12 भी नहीं बजे हैं और कई जगह से खबरें आ रही हैं कि वहाँ वैक्सीन ख़त्म हो गई है तो और जगह से भिजवाने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर टारगेट तो अचीव कर ही लेंगे और लोगों को आगे आकर वैक्सीनेशन कराना चाहिए जिससे हम जो संभावित तीसरी लहर है कोरोना की उससे लड़ने में सक्षम होंगे। देखिए अनुभाग भिंड के ग्रामीण क्षेत्र में जो कि फूफ CSC में आता है उसमें 28 केंद्रों पर आज टीकाकरण किया जा रहा है और प्रत्येक केंद्र पर 100 वैक्सीन्स का लक्ष्य रखा गया है। मैंने बताया ना कि 28 केंद्रों पर 2800 का टारगेट है और लगभग हम 100% टारगेट अचीव कर लेंगे। और मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत की गई है। मंदसौर में भी क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़ ने पूजा कर महाअभियान की शुरुआत की। इस दौरान लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि मंदसौर में लोगों को वैक्सीन लगाने से पहले चंदन का टीका लगाया गया, साथ ही लोगों को वैक्सीनेशन से पहले जागरूक भी किया गया। इसके साथ ही 300 वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करने के बाद 200 टीके 18+ और 100 वैक्सीन 45+ आयु वर्ग के लोगों को लगाई गई। और हमारे देश में वैक्सीन इतनी बड़ी मात्रा में लगाना शुरू किया, पहले पहले बड़ी उम्र के लोगों को लगाया
उसके बाद में फिर 45 प्लस वालों को लगाया और अब 18 प्लस वालों को भी वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू किया। और आज 21 जून को हमें जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस दिन हमारे प्रदेश में एक महाअभियान वैक्सीन का और प्रदेश में हाथ में लिया कि वैक्सीन से डरे नहीं, वैक्सीन महामारी कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है, इसलिए वैक्सीन लगाने के प्रति जागृति पैदा करें और सब सेंटर पर एक अभियान पूर्वक कर बड़ी मात्रा में वैक्सीन लगना चाहिए 18 प्लस ऊपर वालों के लिए भी, बड़ी उम्र वालों के लिए, और इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन शासन उपलब्ध करवाई। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो एक महा वैक्सीन अभियान चलाया गया है उसके अंतर्गत आज गांधी सागर में भी टीकाकरण हो रहा है और बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है सभी लोगों में। और मैं सभी लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि स्वयं तो करवाएं और अपने परिवार को भी प्रेरित करें कि वो सब परिवार आए और वैक्सीन लगवाए। और कोरोना संक्रमण की दर धीमी पड़ने के साथ ही अब ढील देने का दौर भी शुरू हो गया है। बाजार मॉल पहले की तरह खुल चुके हैं और अब सोमवार से नगर निगम ने पर्यटकों के लिए चिड़ियाघर भी खोल दिए हैं, जिसके बाद लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। नगर निगम ने चिड़ियाघर में बिना मास्क वाले लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी है। गर्मी को देखते हुए वन्य जीवों के खाने में भी बदलाव किया गया है। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर आते ही संक्रमण के डर से नगर निगम ने चिड़ियाघर को आम लोगों के लिए बंद कर दिया था। दो महीने बंद था चिड़ियाघर कोविड-19 के चलते, दो महीने बंद था, इसके कारण अभी आज दिनांक से सोमवार से अपने चिड़ियाघर खुला है पर्यटकों के लिए। तो आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग सैलानी आ रहे हैं। देखिए आप देख रहे हैं उनको सबको हम लोग मास्क लगा के एंट्री दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है अंदर कुछ कुछ सैलानी अपने मास्क को उतारते हैं, तो वहां पर रोको टोको अभियान भी चल रहा है, हमारे गार्ड लगे हुए हैं। और टीकमगढ़ में धजराई तिगेला के पास ट्रैक्टर और कार की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक ही परिवार के करीब 6 लोग घायल हो गए हैं, जबकि इस हादसे में 22 साल के युवक की मौके पर मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, फिलहाल उनका इलाज जारी है। घायलों में एक युवक की गंभीर हालत होने पर मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए उसे रेफर किया गया है। तो टीकमगढ़ में ये हादसा हुआ है, 6 लोग इसमें घायल हुए हैं, एक शख्स की इसमें मौत हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रैक्टर और कार की ये जोरदार टक्कर हुई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।